चलो इसको देख लो, छोड़ो अगर नहीं हो रहे क्वेश्चन तो इसको देखो, एग्जाम्पल 93 एसएल अरोड़ा, ये एक साइड बुक है, खरीद लो और सारे के सारे क्वेश्चन मेरे थ्रू पढ़ लो। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 93 के अंदर, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.40 मीटर। आपने एक पत्थर बांधा रस्सी के अंदर और आपने घुमाना शुरू कर दिया, तो जब ये घूमेगा तो आपसे कह रहा है जिस डायमीटर पर घूम रहा है वो डायमीटर इतना है। तो मान लेते हैं कि ये मास है, आपने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, वाव परफेक्ट सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये डायमीटर दे रखा है इसका, तो डायमीटर है 0.40, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका आधा, तो रेडियस हो जाएगी 0.20 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना आपसे ये पूछा गया था कितना डायमीटर होगा, तो डायमीटर तो 0.40 है, तो रेडियस कितनी होगी 0.20 आधा, ठीक है। हमसे कह रहा 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, इतनी तेज घुमा रहे हो आप इसको कि एक मिनट में 1000 चक्कर, तो जाहिर सी बात है रिवोल्यूशन पर मिनट RPM होता है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हो आप। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है ये फ्रीक्वेंसी, कितनी है फ्रीक्वेंसी 1000 RPM। लेकिन आपको RPM में ना लेकर के इसको RPS में लेना होता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो उसके लिए आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपके पास हो जाएगा 100/6, ये हो जाएगा RPS, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई फ्रीक्वेंसी। आगे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन तो लगता ही है, जिसकी वजह से उसके पास एक सेंट्रिपिटल फोर्स आ जाती है। तो आप सब पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी, तो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे इसका लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V=R ओमेगा। अब ये ओमेगा नहीं पता आपको, बस यहीं फंस जाओगे आकर के। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको आप तोड़ोगे एंगुलर वेलोसिटी को, ये होता है 2π × फ्रीक्वेंसी, बस फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आर की वैल्यू रखो। अब देखो एक काम करो, 2R का मतलब क्या होता है, 2R का मतलब क्या होता है डायामीटर, 2R का मतलब क्या होता है डायामीटर, तो 2 यहाँ से उठाओ R यहाँ से उठाओ, डायामीटर आपको दे रखा 0.40, रख दो 0.40, 0.40 में अगर 0.4 भी रहने दोगे तो मतलब वही निकल कर आता, ये पाई ऐसे ही रहने दो और आपके पास फ्रीक्वेंसी है कितनी 100/6, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म, 2 से काटोगे 2×4 2×3 6, तो ऊपर हो जाएगा 2π, ऊपर 10 भी है तो 2π, तो 2×10 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 20π/3 20π/3, ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी निकल कर आ गई, कितनी आई है लीनियर वेलोसिटी निकल कर, चलिए सर 20π/3, इसको आप कहोगे रेडियन पर सेकंड। आपसे लीनियर वेलोसिटी भी पूछा है, साथ में सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये होता है A=R ω² जब V=R ω होता है ना, ये होता है A=R ω² बस खत्म करो। R की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.2, तो 0.2, ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है जल्दी से, ओमेगा तो पता नहीं है, ओमेगा को लिखोगे आप कैसे लिखोगे आप 2π × ν, तो ये हो जाएगा 4π² और न्यू का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा की वैल्यू रख दिया आपने, ये 0.2 ऐसे ही रहेगा, 4π क्या 4π, अब इसको ऐसा कह सकते हो आप 4 को ऐसे ही रहने दो, पाई की वैल्यू को आप ऐसे ही रहने दो, पाई स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको 100/6, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 40 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 4 से करोगे 4×9 36, 9 हो जाएगा, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, ठीक है भाई। तो ऊपर क्या आई वैल्यू जल्दी से बताओ, A=, ऊपर क्या वैल्यू आई, एक तो 2 बचा हुआ है और 1000 बचा हुआ, तो 2000 तो ये हो जाएगा, ऊपर से पाई स्क्वायर, तो 2000 पाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है सिर्फ 9 बचा हुआ है, बस 2000 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
9, ये आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास ओ लीनियर वेलोसिटी निकाली है ना आपने, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, लीनियर है ना, तो ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट पर भी ध्यान रखेंगे, रेडियन पर सेकंड, तो आपको पता है रेडियन पर सेकंड किस चीज़ को बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं। बाय द वे यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो वैल्यू समझ में आ गई होगी किस तरह से निकली है, और एग्जांपल है भी इसी, तो ध्यान रखना। इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और मेरी वीडियोज़ खुली भी होनी चाहिए सामने आपके।